खबर शिवगढ़ लाइब्रेरी से, जहां सोमवार को दीपावली के अवसर पर शिवगढ़ कस्बे में पटाखे की दुकानें लगी हुई थी। व्यापारी शैलेंद्र गुप्ता का आरोप है कि शिवगढ़ थाने में तैनात दरोगा संतोष यादव ने उनसे रौब गालिब करते हुए मुफ्त में पटाखे की मांग किया। व्यापारी के मना करने पर दरोगा संतोष यादव ने व्यापारी से अभद्रता करते हुए आरोप में फंसाने की धमकी दी, जिससे आक्रोशित व्यापार मंडल के लोगों ने मंगलवार की दोपहर 11:30 बजे थाने का घेराव करते हुए दरोगा पर कार्यवाही की मांग की है। इधर दरोगा संतोष यादव का कहना है कि फर्जी आरोप लगाया जा रहा है, किसी तरह की कोई मांग नहीं की गई। पुलिस पर फर्जी दबाव बनाने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे थाने के सामने चल रहे धरना स्थल पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी महाराज कंस रामकिशोर सिंह ने भी व्यापारियों को समझाने का प्रयास किया, किंतु व्यापारी अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। उपजिलाधिकारी महाराजगंज उमेश श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, व्यापार एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए व्यापार मंडल सहित प्रधान संघ अध्यक्ष पवन सिंह व भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर जीबी सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। लगभग 2 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के बाद उपजिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी ने सभी लोगों को शांत कराते हुए आश्वस्त किया कि किसी के साथ कोई अभद्रता नहीं की जाएगी। वहीं ब्लॉक प्रमुख शिवगढ़ हनुमंत प्रताप सिंह भी व्यापार मंडल के समर्थन में पहुंचे। लगभग 10 मिनट तक ब्लॉक प्रमुख हनुमंत प्रताप सिंह व क्षेत्राधिकारी महाराजगंज रामकिशोर सिंह की मध्य वार्ता के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। इधर थाना अध्यक्ष शिवगढ़ राकेश चंद्र आनंद ने बताया कि व्यापारी शैलेंद्र गुप्ता व थाने पर तैनात दरोगा संतोष यादव के मध्य कुछ गलतफहमी हो गई थी। उच्च अधिकारियों को भी मामले की जानकारी दे दी गई है, जिसका निस्तारण धरना समाप्त करके हो गया है। शिवगढ़ रायबरेली से संतोष जायसवाल की रिपोर्ट। शिवगढ़ के सामने सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्र हैं, क्या मामला है ये? कल एक एसआई है यहाँ के थाने के संतोष यादव, उन्होंने कहा है कि फ्री में पढ़ाके अगर नहीं दोगे तो तुमको 20 जूते मारेंगे और चौदह अंदर कर देंगे। तो ये कब की घटना? ये कल की घटना है। मैं पटाखे की दुकान लगाए रखी वहीं सुगर में, तो वहाँ से हमको किनारे बुलाते हैं और कहते हैं कि पटाखे नहीं दोगे। हमने कहा नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा मैं हल्के का सिपाही इंचार्ज हूँ और अगर आप हमको नहीं देंगे तो हम तुमको 20 जूते मार के अंदर कर देंगे, गलत प्रूफ में फंसा कर तुमको, गलत केस में फंसा कर। तो ये कल की घटना को लेकर के आज यहाँ थाने पर एकत्र हुए हैं आप लोग, तो क्या चलेगा अभी, क्या चल रहा है? जब तक सस्पेंड नहीं करेंगे हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे और ना कहीं कोई जाएगा।